मोटिवेशन लेवल अप वी आर लॉन्चिंग दिस मैराथन वर्कशॉप्स एट सीटिंग सेंटर सो इन केस यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस ऑन बाय कॉलिंग अप एनी ऑफ दीज नंबर्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन एज वेल फाइन सो इन दिस वी आर गोइंग टू कीप दिस सिक्स वर्कशॉप्स क्वांट वर्बल लॉजिक विद अ न्यू पेपर पैटर्न सो विल टेक अ टेस्ट फर्स्ट विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन द क्लास सी हाउ मच मार्क्स यू गेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल फाइनलाइज तो जे बी जाने के लिए टॉप फोर के लिए योर टारगेट स्कोर इन क्वांट इज 15 वर्बल 30 पजल्स 15 मीन तीन पजल सॉल्व करना पड़ेगा डी आई 15 विजुअल एंड क्रिटिकल जोड़ के 30 25 एंड लॉजिक 20 प्लस दिस इज योर 125 मार्क का पेपर फॉर जे बी आना दिस इज 25 ठीक है सो दैट्स योर टारगेट स्कोर फाइन ओके वर्बल सेक्शन इज गोइंग टू सी द मैक्सिमम चेंजेस बिकॉज आउट ऑफ 50 मार्क्स 35 मार्क्स का पेपर इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू ठीक है लेट्स हैव द क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट समथिंग वी आर कंफर्टेबल विद ठीक है सबको मालूम है क्या होता है फिल द ब्लैंक्स आपको दिया होगा सीट में क्या आएगा फिल द ब्लैंक्स के नाम पे दे विल गिव यू मल्टीपल स्टेटमेंट्स दो दो स्टेटमेंट दिया होगा ठीक है लॉट ऑफ पीपल व्हाट वी डू वी यूज ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन ये डाल के देखा वो डाल के देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी दो दो आएगा सो हैव टू लिटरली ट्रैक टू टू क्वेश्चन टू गेट वन मार्क ठीक है 10 वर्ड देना पड़ेगा तब जाके एक आंसर मिलेगा फाइन उसमें भी वर्ड दे कैन ऐड एंटोनिम और सिनोनिम सो इन दिस फिल द ब्लैंक्स यू फाइंड आउट दिस वर्ड मतलब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे एंटोनिम आएगा कि सिनोनिम आएगा ये वर्ड है यहाँ पे आपको इसका एंटोनिम और सिनोनिम निकालो ठीक है दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर दे हैव ऑलरेडी पुट अ वर्ड हेयर इन योर ब्लैंक सो फॉर एग्जाम्पल इन टाइप बी इन क्वेश्चन नंबर टू सो आई पुट अ वर्ड हेयर आपको बताने कि ये वर्ड आएगा कि उसकी जगह पे कोई नया वर्ड आएगा सो इन शॉर्ट क्लोज सेट्स ऑफ चेंज दिस इज नॉट अ मेजर चेंज बट द प्रॉब्लम इज यार बिकॉज आई एम लुकिंग एट दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा भी चेंज आएगा एग्जाम में अपना हार्ट ब्रेक होगा टेंशन आएगा बिकॉज आई डोंट नो वेदर वी विल टू सॉल्व दिस सेट और नॉट सो बी प्रिपेयर्ड वर्बल में आउट ऑफ 50 35 मार्क का पेपर इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू ठीक है तो अब यहाँ पे जाओ seeteking.com/close यू कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन देयर एंड इफ यू आर अ seeteking स्टूडेंट आपकी ब्लू बुक में सारा कुछ कवर कर दिया दिस न्यू पेपर पैटर्न मूविंग टू द ग्रामर या ग्रामर एक एक लाइन के क्वेश्चन पहले आते थे अभी ग्रामर पैराग्राफ में आएगा फाइन एक बार पॉज करके ट्राई करो लास्ट ईयर जो सी टी में आया कि फाइंड आउट द एरर इन दिस पैराग्राफ देर आर थ्री वर्ड्स अंडरलाइन थ्री सेंटेंसेज अंडरलाइन यू हैव टू फाइंड आउट द एरर किस किस में ए वाले में एरर है बी में एरर है सी में एरर है इस बार जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो हाईलाइटेड है उसको छोड़ो अन नॉन हाईलाइटेड स्टफ में कहाँ पे एरर आएगा आपको वो बताना है सो टू मार्क वन ऑप्शन सो टू लिटरली सॉल्व वन पैराग्राफ टू गेट वन मार्क ये लास्ट ईयर आ चुका है बाय द वे चेंजेस एंड नन ऑफ द कोचिंग क्लासेस हैव इम्प्रूव देयर मार्क्स अप टू दैट लेवल तो seeteking.com/grammar यू कैन फाइंड द न्यू क्वेश्चन हियर एंड इफ आर seeteking स्टूडेंट आपकी ब्लू बुक में सारा क्वेश्चन डाल दिए ओके नेक्स्ट इज वोकैब रिमेन सेम ये तो एंटोनिम सिनोनिम सबको आता है बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर और ऑपोजिट इन मीनिंग अभी रेप्लिकेशन है लेकिन उसका ऑपोजिट चाहिए कि सिमिलर ढूंढना है वो मुझे नहीं समझ रहा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ही रहेगा डॉर्मेंट रेलिवेंट रेप्लिकेशन नॉट दैट डिफिकल्ट लेवल तो रेप्लिकेशन इज द इफेक्ट ऑफ समथिंग सो उसका सिनोनिम कॉन्सिक्वेंस ठीक है रेलिवेंट अनरिलेटेड दिस इज अ सीटी का लेवल दिस इज अ न्यू पेपर पैटर्न जो मुझे लग सकता है कि इस बार हो सकता आ जाए यू टू फाइंड द पेयर डॉर्मेंट का सिमिलर और एक्टिव डॉर्मेंट मतलब आराम करने वाला रेस्ट कर लाइक डोरमैट इजी टू रिमेंबर इज डोरमैट आपका पड़ा रहता है बाहर तो उसका सिनोनिम स्लीपिंग एंड एंटोनिम एक्टिव ठीक है सो ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन योर ब्लू बुक और seeteking.com/vocab यू कैन फाइंड इट हियर ठीक है ये सब चेंजेस भी लास्ट ईयर आ चुका है बाय द वे ऑपोजिट एंड सिमिलर वाला इट्स नॉट समथिंग न्यू आई एम एक्सपेक्टिंग ओके व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस न्यू टाइप इज अ सेंटेंस कनेक्टेड दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड फाइन जो पक्का पक्का आएगा इस बार सो यूजिंग द वर्ड बट यू हैव टू कनेक्ट एनी ऑफ दिस फोर सेंटेंसेस आप एक बार पॉज करके ट्राई करो ए बी सी डी आपको बताना है कि बी एंड ए एंड बी के बीच में आएगा बट के सी एंड डी आई कैन कनेक्ट विद द वर्ड बट सो यू टू यूज द वर्ड बट टू कनेक्ट द थिंग्स तो सी ए आएगा कि सी डी आएगा कि ए सी आएगा आपको बताना है कि कौन सा आएगा सो गो टू seeteking.com/sentence connector यू विल फाइंड दिस थिंग फाइन दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग तो आपकी बुक में नहीं है CET एडवांस मॉक जहाँ पे है उसके नीचे देर आर हैंड आउट PDFs अवेलेबल प्लीज वो डाउनलोड करो बिकॉज देर आर ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई एम डूइंग
यार अभी ये वाला क्वेश्चन साउंड लाइक अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम में ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फाइन, सो लेट्स डू 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिस टाइप, ताकि मुझे पता चले एग्जाम में छूना कि नहीं छूना. उतना ही हेल्प मिल गया तो बहुत हो गया यार, कि मुझे एटलीस्ट पता कि एग्जाम में इसको हार्ड डालना कि नहीं डालना. ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर 5 मार्क्स इन द सीईटी पेपर. फाइन, फिल द ब्लैंक्स. न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दे गिवन यू 2 ब्लैंक्स एंड दे गिवन यू 5 वर्ड्स. आपको बताना है कि 1 एंड 5 आएगा कि 2 एंड 5 आएगा कि 3 एंड 5 आएगा. ठीक है, सो पैटर्न तो चेंज होने वाला. आप लेके चलो 5 क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स न्यू टाइप, और आई एम एक्सपेक्टिंग फिल द ब्लैंक्स लाइक दिस. अभी तक क्या था, हमें ब्लैंक दिया था, वर्ड बताओ कौन सा जाएगा, जाइजेंटिक ये वो सब दे दिया. अभी उल्टा कर दिया, आपको वर्ड दे दिया, बताओ किस किस स्टेटमेंट में आएगा. सो यू हैव टू लिटरली सॉल्व 5 क्वेश्चन टू गेट 1 मार्क. उसमें भी ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी. आप एक बार पॉज करके ट्राई करो. ठीक है, अगेन 5 क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन फ्रॉम द ब्लैंक्स. सो नॉन सीटिंग स्टूडेंट, यू गो टू सीटिंग.com/blanks. यू कैन सी दीज क्वेश्चन, एंड आपकी ब्लू बुक में ये सारा कुछ दिया हुआ, न्यू टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, तो फिल द ब्लैंक्स 5 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई एम एक्सपेक्टिंग. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, सब कुछ जॉइन, सब कुछ कंबाइन करके साथ में डाल दिया. फाइंड द न्यू मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, सब उसमें आ गया. ठीक है, सो लाइक पैरा जंबल, आपको 5 स्टेटमेंट दिया होगा. ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट देख लिया. अभी उसी स्टेटमेंट के ऊपर दिल बी फर्स्ट क्वेश्चन एज रिप्लेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी द रिप्लेसमेंट फॉर स्टेटमेंट नंबर 2, कंप्लीटली रिप्लेस द स्टेटमेंट नंबर 2. सो फाइंड द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. वैसे अगर क्वेश्चन आते थे, उसका रिप्लेसमेंट इज एक सेंटेंस की जगह, सेंटेंस नंबर 2 की जगह कौन सा सेंटेंस आएगा. ठीक है, न्यू टाइप, एक क्वेश्चन नंबर 1 ऑन दिस. सेम इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस दैट फॉलोज लाइन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 5 के बाद कौन सा आएगा. तो दिस इज पैरा कंप्लीशन कंबाइंड इनटू 1 सेंटेंस. थर्ड स्टेटमेंट, बिटवीन स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4 कौन सी स्टेटमेंट आएगी. विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी प्लेस्ड बिटवीन स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4. सो अगेन पैरा कंप्लीशन. ठीक है, वैसा नहीं तो पैरा जंबल नॉर्मल वाला. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द आफ्टर द रीडिंग. ये ओल्ड पैटर्न आ गया अपना, 5 सेंटेंस आपको दिया होगा, न्यू पैटर्न बताओ, वो बताओ. दिस इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर. Rather than giving you 5 sentences and finding out A, B, C, D आएगा किस order में आएगा, they have given you the complete sentences, complete 5 paragraph. आपको बताना कि paragraph number 1 आएगा कि para number 2 आएगा कि para number 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा. So para jumble is again set to change. Para jumble, para completion में this new type of question you can expect 5 marks. ठीक है, so this para jumble वाले new type के question are available on cetking.com/para jumble. नहीं तो आपके एडवांस मॉक में मैंने हैंड आउट करके डाल दिया है, उसमें ये न्यू टाइप के क्वेश्चन उसमें डाल दिए, तो प्लीज़ एक बार ये देख लो. ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्टर इज एनीवे समथिंग न्यू. अगर आपको नहीं पता तो प्रॉब्लम स्टार्टर आपको सेंटेंसेस देगा, उसको ज्वाइन करके उसकी आइडियल स्टार्ट बतानी है. तो cetking.com/probable, यहाँ आपकी ब्लू बुक में आपको ये सब दिया हुआ है. ठीक है, सो इफ यू आर नॉन सीटिंग स्टूडेंट, यू कैन ज्वाइन अस फॉर दीज न्यू मॉक्स, एडवांस मॉक्स, शॉर्टकट वर्कशॉप्स एंड और बुक्स, whichever one you want to join on cetking.com/shop. ठीक है, cetking.com/shop पे जाके यू कैन बाई दिस प्रोग्राम. RC में फॉर्चुनेट दिन दो चेंज, तो 15 मार्क का वैसे का वैसे ही आएगा. ओनली चेंज विल बी देर बी लॉट ऑफ क्वेश्चन विच हैड ऑप्शन ए एंड बी, बी एंड सी. फॉर एग्जाम्पल देर गिवन यू 4 स्टेटमेंट, आपको बताना कि बोथ ए एंड बी आएगा, 3 एंड 4 आएगा. सो दिस इज द न्यू काइंड ऑफ अ थोड़ा चेंज इन द RC विच इज कमिंग. अपार्ट फ्रॉम RC एवरीथिंग हैव चेंज. ठीक है, तो आपका ये नॉर्मल ब्लू बुक में सारे टाइप के क्वेश्चन है. फाइन, सो दिस इज अ न्यू 35 मार्क का पेपर विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन द CET. सो प्रॉब्लम स्टार्टर, ग्रामर न्यू टाइप, पैरा जंबल न्यू टाइप, वोकैब न्यू टाइप, सेंटेंस कनेक्टर न्यू टाइप, इन द ब्लैंक्स न्यू टाइप, क्लोज टेस्ट न्यू टाइप. ये समथिंग न्यू आई एम एक्सपेक्टिंग. एंड ऐसा ही लास्ट ईयर चेंजेस आया था. लास्ट ईयर 35 मार्क का पेपर वॉज समथिंग न्यू. अगर किसका कोई अपने दोस्त ने आपके CET दिया था, उसे पूछो. वर्बल एंड लॉजिक वॉज टोटली न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वॉज देयर. सो ये अपन को पूरा प्रैक्टिस करना है अच्छे से. ऑलराइट, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव अपलोडेड दिस पेपर ऑन cetking.com/CET विद अ न्यू पेपर पैटर्न. अब प्लीज़ ये न्यू एक्सपेक्टेड पेपर डाउनलोड करो फॉर द वर्बल सेक्शन और उसको सॉल्व करो. ठीक है, फॉर सीटिंग स्टूडेंट इसकी स्ट्रेटजी वर्कशॉप एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर लॉगिन आईडी. सो ई क्लासेस, असाइन कोर्सेज, ई क्लासेस के अंदर जाके CET एडवांस में यू कैन सी द मैराथन फॉर वर्बल, जिसमें पूरा स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग इज
covered there. Okay. So like this, I'm launching verbal, quant, logic, DI, all the six sections ka overview, all six sections ke expected paper. So you can subscribe to this channel here, so you can get all the updates. And in case you want to buy, you can click on the box here, so you can get to the page where you can buy our books, mocks or shortcuts. In case you have any more questions about the verbal section, please reply, please comment here. I'll be more than happy to reply to help you score more marks in the verbal section. Aapka target is very simple. You have to score 5 marks more than whatever you are scoring today in the next few days. Possible? 5 marks possible? Yes. Trust me, agar tumhe itna hi pata chal jaye ki paper pattern nahi aane wala, utna hi bahut ho jayega. Yaar, public ko yehi nahi pata ki pattern change hua hai. All the best.